फ्रेंड्स वेलकम हेयर कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू पिकअप पाइल रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग सिर्फ लव के बिहाफ से नहीं है लव कैरियर हेल्थ ईच एंड एवरीथिंग हम जानेंगे सब के बारे में एंड ये रीडिंग होगी फॉर द नेक्स्ट मंथ अगर आप नवंबर में देख रहे हैं तो ये दिसंबर के लिए है दिसंबर में देख रहे हैं तो ये जनवरी के लिए है जनवरी में देख रहे हैं तो फेबररी के लिए है दैट मीन्स नेक्स्ट मंथ में जब भी आप देख रहे हैं उस उससे नेक्स्ट मंथ में आपकी लाइफ में क्या बेहतरीन क्या बेहतर क्या बढ़िया होने वाला है क्या नई गुड न्यूज़ेस मिल सकती हैं क्या नई गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं क्या आपकी लाइफ में सुधार हो सकता है क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी एंड क्या बेहतर हो सकता है क्या बेहतर होने वाला है चाहे वो लव के भी हाफ़ से हो कैरियर के बिह्फ़ से हो हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी किसी के भी बिहाफ़ से हो जो भी कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं आपको बताऊंगी बताऊँगी uh, हमारे पास हैं दो पाइल्स ये timeless reading है ये general reading है है। पाइल आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपको उसको चूज करना है एंड देन आपको अपनी रीडिंग की तरफ जाना है वेलकम पाइल वन जिन्होंने ब्यूटीफुल सा कार्ड इंटीग्रेशन चूज किया है अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि नेक्स्ट मंथ दैट मीन्स अगर आप अभी ये रीडिंग देख रहे हैं तो दिसंबर और जब भी आप रीडिंग देख रहे हैं उससे नेक्स्ट मंथ उससे आने वाला अगले महीने में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं आपको क्या गुड न्यूज़ मिलने वाली है क्या बेहतर होने वाला है चाहे वो लव के भी हाफ से हो कैरियर के भी हाफ से हो हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी किसी भी, भी हाफ से हो जो भी कार्ड्स मुझे बताएंगे मैं डेफिनेटली आपको बताने वाली हूँ एंड ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी रेस्ट जनरल रीडिंग है तो जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हों जो मैसेजेस जिसके लिए हैं उनको पिक करें डेस्ट को जाने दें कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं योर फर्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ सोर्ड्स जेमना लिब्रा अक्वेरियस हो सकते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून टू मोर कार्ड्स हैं एडवेंचर And healing amazing, super amazing, super duper amazing. Taurus वर्गो, Capricorn, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius आप हो सकते हैं या फिर किसी पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, किसी पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर हो सकते हैं। And next month में अब हम बात करते हैं कि क्या बेहतरीन होने वाला है। First thing is this कि जो बेहतर होती हुई मुझे दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि टाइम चेंज होने वाला है एंड ये जो टाइम चेंज होगा इस बार नेक्स्ट मंथ में वो एक ब्यूटीफुल चेंजेस ब्यूटीफुल बिगनिंग एंड ब्यूटीफुल ईच एंड एवरी लेकर आएगा ये वो चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे जिनके लिए आप बहुत टाइम से प्रेयर कर रहे थे जिनके लिए आप बहुत टाइम से एफर्ट लगा रहे थे जॉब हो या रिलेशनशिप अभी तक आपके लाइफ हो सकता है ऐसी गुजरी हो जिसकी जिसमें एक्चुअली में थर्ड पार्टी सिचुएशन ने काफी इफेक्ट किया हो अगर आप जॉब में भी वर्क करते हैं या फिर अपने बिजनेस में वर्क करते हैं वर्क के बिहाफ से भी तो भी ऐसा होता होगा कि मेहनत आप करते होंगे क्रेडिट कोई और लेके चला जाता होगा पूरे एफर्ट्स आपने लगाए प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया इंटरव्यू आपने अच्छा दिया बट जॉब किसी और को मिल गई लोग आपको नीचा दिखा देते थे आपकी वैल्यू नहीं करते थे चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो जॉब हो चाहे वो फैमिली मेंबर्स हों रिस्पेक्ट की कमी है आपके लाइफ में लोग आपको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं सोचते छोड़ते हैं एंड ये जो लोग हैं अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो थर्ड पार्टी कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं वो थर्ड पार्टी कोई उनकी एक्स्ट्रा रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं या फिर थर्ड पार्टी कोई उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि आप लोगों की मैरिज हो री हो रिकंसिलेशन हो एंड उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको जलील करने में आपके इंसल्ट करने में आपको नीचा दिखाने में आपकी बेइज्जती करने में आपकी प्यार की वैल्यू ना करने में कदर नहीं करने में आपके पर्सन के बारे में नहीं कह रही हूँ दैट मीन्स वो थर्ड पार्टी जिसने आपके पर्सन को बहकाया है एंड उसने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको बात बात में जलील करने में नीचा दिखाने में एंड ये प्रूव करने में कि आप उनके बेटे के या फिर उनके बॉयफ्रेंड के या फिर उनके पति के जैसा जो भी रिश्ता है उनका थर्ड पार्टी के साथ उनके लिए वैल्यूएल हो बार बार यही दिखाया है कि वो आपको नहीं पसंद करते हैं वो आपसे नहीं करेंगे एंड साथ ही में बिगनिंग इंटीग्रेशन से हुई है है जो कि कि ये बताता है कि इतनी इतनी तमाम तमाम मुसीबतों के बाद भी परेशानियों के बाद भी आपने गिवअप नहीं किया है एंड ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आपका हो सकता है एनर्जीज पहले से काफी ज्यादा बैलेंस है तो रिकनसिलेशन रीयूनियन की तरफ कदम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं आपका रिलेशनशिप हील होता हुआ दिखाई देता है एंड वहीं आप अब घबराओगे नहीं पहले हो सकता है कि ऐसा होता हो कि जब कोई आपके इंसल्ट करता हो कोई भी उल्टा सीधा कुछ बोल देता हो तो आप बहुत टूट जाते हो बिखर जाते हो लेकिन अब आप हील हो चुके हो अब आप वेल बैलेंस हो चुके हो अब आपका और आपके पर्सन का हार्ट चक्रा खुल चुका है आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो एंड आप अपनी लाइफ में अब एडवेंचरस वाली जर्नी जियोगे जिसमें आप किसी से नहीं घबराओगे एंड आप अपनी जर्नी को समझ रहे हो एंड इस जर्नी को आप बोल्डली क्रॉस करोगे तो दिसंबर के मंथ में आपके अंदर पावर आती हुई दिखाई दे रही है आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो आपका फाइनेंस स्टेटस पहले से बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद बहुत बोल्ड हो रहे हो पहले आप किसी के भी सामने झुक जाते थे सरेंडर कर देते थे किसी को भी बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते थे बहुत ज्यादा किसी की भी रिस्पेक्ट करते थे किसी को भी उल्टा नहीं बोलते थे आगे से विरोध नहीं करते थे जो हो रहा था आप उसका एक्सेप्ट कर रहे थे लेकिन अब आप अपने राइट्स के लिए खड़े होने वाले हो अपने राइट्स के लिए वर्क करने वाले हो एंड कैरियर हो रिलेशनशिप हो हेल्थ हो वेल्थ हो सभी चीज़ें कंट्रोल में आती हुई दिखाई दे रही हैं ब्यूटीफुल चेंजेस आपके लाइफ में आने आते हुए दिखाई दे रहे हैं री यूनियन भी दिखाई देता है एंड ऑब्वियसली uh, इन चीज़ों के बाद भी इम्प्रूवमेंट तो दिखाई दे रही है लेकिन आपकी लाइफ का स्ट्रगल खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है अभी भी स्ट्रगल तो आपको झेलना है लेकिन अब आप नेगेटिव होकर नहीं एक तो पॉजिटिव होकर इन चीज़ों को फेस करोगे और दूसरा काफी बहादुर होके बोल्ड होके एंड बिना घबराए इन चीज़ों पे वर्क करोगे जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था जो भी आपने मांगा था वो आपकी विशेष कम ट्रू होने वाली है भाग्य आपके साथ है डिवाइन आपके साथ है यूनिवर्स आपके साथ है एंड अगर कोई रिश्ता बुरी तरह से टूट चुका है एंड आपको लगता है कि वो रिश्ता कभी बन के आएगा ही नहीं तो मैं बता दूं कि एक ब्यूटीफुल चेंज आपके लाइफ में आ रहा है या तो वो रिश्ता ट्रांसफॉर्म होकर आएगा अदरवाइज कोई नया पर्सन आएगा जो कि वैसा होगा जैसा आप एक्सपेक्ट करते थे जैसा आप डिजर्व करते हो बिल्कुल अच्छा इंसान एंड साथ ही में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको अभी भी स्पाई करते हैं चाहे वो कॉन्टैक्ट में हों चाहे वो नो कॉन्टैक्ट में हो एंड अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था जिसने अभी तक आपको बहुत दुख दी है तकलीफ दी है परेशानियां दी हैं तो वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा एंड रिमूव होने के बाद आपकी लाइफ तो सुधर जाएगी लेकिन साथ ही में मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइफ बहुत पेन में जाने वाली है एंड उसको बहुत सफरिंग मिलने वाला है पेन मिलने वाला है एंड देन उसको रियलाइज होने वाला है कि उसने क्या खोया है राइट right? तो जिन्होंने पाइल वन चूज किया था उनकी ये है रीडिंग आई होप कि रेजोनेट की होगी पसंद आई होगी फोर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं तो आपको दिसंबर में जो भी बेहतरीन आपके लाइफ में हो सकता है वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं एंड एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी जॉब के लिए किसी बिजनेस के लिए काफ़ी टाइम से एफर्ट लगा रहे हो तो वो कोई गुड न्यूज़ आती हुई आपकी तरफ़ दिखाई देती है कोई गुड न्यूज़ कोई नई अपॉर्चुनिटी कोई नया प्रोजेक्ट कोई नया टारगेट ओके जिसपे आप बहुत ही बोल्डली वर्क करोगे एंड बहुत जल्दी अपने टारगेट्स uh, को अचीव करोगे एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई देती है तो ये थी आपकी रीडिंग थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ गुड डे टेक केयर वेलकम पाइल टू जिन्होंने ब्यूटीफुल सा फ्लावरिंग का कार्ड चूज किया है हम चेक करने वाले हैं कि आपके कार्ड्स क्या बताते हैं नेक्स्ट मंथ मतलब जिस भी मंथ आप ये रीडिंग देख रहे हो जैसे आप नवंबर में देख रहे हो तो दिसंबर दिसंबर में देख रहे हो तो जनवरी जनवरी में देख रहे हो तो फरवरी ये टाइमलेस रीडिंग है प्लस ये जनरल रीडिंग है जब भी देखेंगे कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी एंड्रेस जरूरी नहीं है सभी मैसेजेस सभी के लिए हैं तो जो रेजोनेट करे उसको रखें एंड लीव द रेस्ट हम लोग इसमें चेक करने वाले हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या बेहतरीन होने वाला है कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं तो चेक करते हैं फर्स्ट कार्ड आया है द टावर बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है टू ऑफ रोड लियो साइज हो सकते हैं आप आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं जेमन आई लिब्रा अक्वेरियस हो सकते हैं टू मोर कार्ड्स हैं हमारे पास द मास्टर अमेजिंग एंड अबंडेंस कूल तो ये हैं आपके कार्ड्स आई होप कि आपको प्रॉपरली दिख रहे हैं हो सकते हैं एंड अगर बात की जाए कि नेक्स्ट मंथ दैट मींस अपकमिंग मंथ में आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं नंबर वन थिंग अग बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन अम्पलीट ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कोई भी नेगेटिव चीज आपके साथ आगे नहीं बढ़ेगी सारी नेगेटिव चीजें पीछे छूट जाएंगी एंड आप पॉजिटिवली एक नई जर्नी पे आगे बढ़ोगे दैट मीनस एक नए तरीके से आगे बढ़ोगे एक नए नए प्रोस्पेक्ट से आगे बढ़ोगे एक नए कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ोगे अगर आप किसी रिश्ते के लिए अभी तक बहुत एफर्ट लगा रहे थे क्लैरिटी नहीं मिल रही थी आपको वो पर्सन कमिट नहीं कर रहे थे वो पर्सन कन्फेस नहीं कर रहे थे तो मुझे दिखाई देता है कि अब उन पर्सन का ध्यान भी आपकी तरफ होगा वो पर्सन आपको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे बात करने की कोशिश करेंगे अपनी फीलिंग्स को और असिस्ट नहीं कर पाएंगे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे ये जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रही है ये ट्रांसफॉर्मेशन अबंडेंस लेके आ रही है रिश्तों में सुकून लेकर आ रही है एंड आपके हाथों में चीजों का कंट्रोल लेकर आ रही है दैट मीन्स अभी तक आपको लगता था कि आपके लाइफ का कंट्रोल औरों के हाथ में है जो जैसा कहता है वैसा आप करते चले जाते हो लेकिन अब ये कंट्रोल आपके खुद के हाथों में होगा आप खुद को वैल्यू करोगे आप खुद की वर्थ को समझोगे एंड देन दूसरे भी correspondingly समझेंगे जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी आप उन्हें कट क्लियर और cleans करने वाले हो एंड देन जो चीज़ें आपके फेवर में होगी उन्हें आप एक्सेप्ट करोगे अदरवाइज आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आ रही है अगर आप पैसों के लिए एफर्ट लगा रहे हो फाइनेंस के लिए एफर्ट लगा रहे हो कैरियर के लिए एफर्ट लगा रहे हो किसी ऐसे प्रोस्पेक्ट के लिए एफर्ट लगा रहे हो कि जिसमें नया प्रोजेक्ट है नया गोल है नया बिजनेस है नई जॉब है तो नेक्स्ट मंथ में काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको वो चीज़ें मिल जाए साथ ही में यहाँ अबंडेंस है किंग ऑफ पेंटेकल और वहाँ फ्लावरिंग है क्वीन ऑफ पेंटिकल जो कि मुझे ये बताते हैं कि आप दोनों अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड मेड फॉर ईच अदर हो एक दूसरे के लिए आप बने हो ये पर्सन आपके काउंटर पार्ट हैं आपके अदर हाफ हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में आप लोग हो सकते हो पैसों की आप दोनों को कोई कमी नहीं है वेल well सेटल्ड हो वेल well बैलेंस हो वेल well मेच्योर हो थर्टी के आसपास हो या फिर थर्टी से अबव हो या फिर ऑलरेडी एक पर्सन मैरिड है और उसका एक बच्चा है या फिर आप मैरिड हो आपका एक बच्चा है वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है सबके लिए नहीं होगी बट कुछ के लिए है ठीक है एंड बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम है जिन लोगों का बच्चा है उनका बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उन लोगों का मैरिज नहीं हो पा रही है मतलब वो बच्चा टीनेजर है शायद वो नहीं होना देना चाहता है एंड ऑल या फिर उसके आपके पर्सन बच्चे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके या उनके अगर हैं तो अगर मैरिड हो तो जरूरी नहीं है ये बात सबसे रेजोनेट करे एंड रेस्ट आपके पर्सन आपको लेकर काफी पैशनेट है आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हो एंड मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मंथ में uh, क्या होने वाला है नेक्स्ट मंथ में ये होने वाला है कि आपके पर्सन आपको लेकर इम्पेश हो जाएंगे बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाएंगे देन वो अपने डिजायर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे एंड वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे अब तक जो भी रुकावटें थी जो भी परेशानियां थी वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है बिकॉज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज हेयर एंड इस बिग ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चीजें सोर्ट आउट हो जाएंगी ऐसा नहीं होगा कि जैसे एकदम से हो जाएंगी बट ऐसा होगा कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू होंगे आप अबेंडेंट ऑलरेडी हो सिर्फ ये रिश्ते में प्रॉब्लम है ये रिश्ते की प्रॉब्लम भी सोर्ट आउट होने लग जाएगी हो सकता है आपके देवर इस बात को ना मानते हो इस मैरिज को ना मानते हो वो भी मान जाएंगे एंड वहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि अगर बच्चे नहीं मान रहे हैं तो बच्चे अभी मानते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं बट एटलीस्ट मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि अब आपके पर्सन उनको मनाने की कोशिश करेंगे एंड वहीं कुछ लोगों को लगता है कि आप काफ़ी एज में ज़्यादा हो और आपके पर्सन बहुत छोटे हैं आपसे दैट मीन्स एक स्ट्रगलिंग फिगर में है एक स्ट्रगलिंग फेज में है बहुत कम लोगों के लिए वो चीज़ दिखाई देती है बट स्टिल दिखाई देती है कि आप मैरिड हो आपके बच्चे हैं एंड जो आपका पार्टनर है वो अनमैरिड है ऐसे में फैमिली नहीं मान रही है रिश्ते के लिए स्पेशली फादर या फिर मदर भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन अब कंफ्यूजन क्लैरिटी एंड सारी चीज़ों को दूर करके एक स्ट्रांग स्टेप आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे एंड वो स्टेप में वो अगर अभी तक खुद वेल सेटल नहीं थे तो पहला कदम उनका यही होगा कि वो वेल सेटल होंगे जिस भी जॉब बिजनेस कैरियर की तरफ वो कदम रखेंगे उसमें वो सक्सेसफुल रहेंगे एंड देन वो इस रिश्ते की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है रिश्तों को लेकर क्लैरिटी आ रही है सारी कंफ्यूजन सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी मैं ये नहीं कह रही हूँ कह रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ में शादी हो जाएगी बट क्यों नहीं हो रही है क्या प्रॉब्लम है आपके पार्टनर आपको खुल के बताएंगे एंड आपको पता होगा कि आपको इतना टाइम वेट करना है इन चीज़ों का वेट करना है एंड देन चीज़ें मैरिज तक री तक रिकन्सुलेशन तक पहुँचेंगी नेक्स्ट मंथ हो सकता है कि आप कोई नया कोर्स ज्वाइन करो नई कोई चीज़ सीखने की कोशिश करो कोई स्पिरिचुअल नई चीज़ सीखने की कोशिश करो कोई धार्मिक बुक पढ़ो कोई रैकी हीलिंग सीखो कोई टारो रीडिंग सीखो ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नेक्स्ट मंथ में बनती है कि हो सकता है कि आप कुछ नया सीखो एंड देन अपनी नॉलेज और विजडम से उन चीज़ों को आगे बढ़ाओ उन चीज़ों से लोगों का भला करो एंड लोगों को राइट गाइडेंस दो ऐसी पॉसिबिलिटी भी कुछ लोगों के लिए दिखाई देती है आप अपनी लाइफ के मास्टर बनने वाले हो आप अपनी लाइफ को का कंट्रोल अपने हाथों में रखने वाले हो आप चीज़ों को बैलेंस करके चलने वाले हो एंड आपके पर्सन भी सबको मनाते हुए आपके साथ जिंदगी शुरुआत करने की प्लानिंग करने वाले हैं स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं पुरानी जो भी चीज़ें थी जो भी तक वर्क नहीं कर रही हैं वो ओवर हो जाएंगी वहीं कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था तो वो भी ओवर हो जाएगा नेक्स्ट रिलेशनशिप दिसंबर में बहुत बढ़िया होगा नाइस होगा कोई नया पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके साथ आपकी लाइफ वेल सेटल होगी एंड ये पर्सन आपका काउंटर पार्ट होगा ये बहुत कम लोगों के लिए है बट स्टिल है एक सुकून आता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ में एक कंफर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है नेक्स्ट मंथ में जिसके बाद ये नहीं है कि प्रॉब्लम ए टू जेड सॉल्व हो जाएंगी लेकिन आप इमपेशेंट परेशान ओवर इमोशनल सैड डिसअपॉइंटेड या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं दिखाई दोगे उसके बाद आपको पता होगा कि क्यों डिले है किस लिए डिले है क्या हो रहा है क्यों हो रहा है किस तरह से हो रहा है एंड किस तरह से होगा पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी एक कंफर्ट जोन आता हुआ दिखाई दे रहा है अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है चाहे वो रिश्तों के हाँ से हो हेल्थ के बिहाफ से हो वेल्थ के हाँ से हो।, कोई नया प्रोजेक्ट हो, कोई हो, नया हो यहाँ पे सन और मून साथ साथ हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है कैंसर पाइस स्कॉर्पियो के भी कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर येलो आपका लकी कलर रहेगा पर्पल आपका लकी कलर रहेगा पिंक और रेड आपका लकी कलर रहेगा सो ये थी आप लोगों की रीडिंग की दिसंबर में आप लोगों के लिए क्या बेहतर होने वाला है ये टाइमलेस रीडिंग थी जब भी देखेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए रेजोनेट करेगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग केयर लव यू गाइस बाय